ओके ओके, हाँ जी बताइए। ये फिल्म है फोर पिलर्स ऑफ बेसमेंट। इस फिल्म के अंदर इट्स अ वुमन ओरिएंटेड स्टोरी, और किस तरह लड़की अपना बचाव करती है, किस तरह लड़की को ऐसे लोगों से, ऐसी जगहों से किस तरह बचना चाहिए, हमारी फिल्म ये बताती है। हमेशा लड़कियों के खिलाफ अत्याचार जो होते हैं उसको किस तरह बंद किया जाए, स्टॉप किया जाए, तो वो हिम्मत एक लड़की को देते हुए हमारी फिल्म है फोर पिलर्स ऑफ बेसमेंट। हमारी फिल्म में चार कैरेक्टर है जो पिलर्स कहा जाता है, और वो पिलर्स किस तरह हमारी लड़की को बचाते हुए बाहर निकलते हैं, दैट इज़ माई फिल्म फोर पिलर्स ऑफ बेसमेंट। फोर पिलर्स के बारे में सर ने इतना सब कुछ बता दिया, मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट इन्होंने लिया है, और इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हर औरत के अंदर, हर लड़की के अंदर एक पावर होता है। इट्स जस्ट कि आप उस पावर को कैसे अपने बाहर निकालते हो, कैसे उसको यूज़ करते हो, और कैसे अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। तो मूवी इज़ ऑल अबाउट दिस। और कौन कौन से किरदार है फिल्म में जिसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? फिल्म में जाकिर साहब है, फिल्म में अनंत जोग जी है, फिल्म में सावर अली है। स्पेशल अपीयरेंस उन्होंने, ब्रूना जी ने किया हुआ है हमारा, एक बहुत ही अच्छा, आज आप खूबसूरत सॉन्ग देखेंगे, प्रमोशनल सॉन्ग तू है गजब सोनी, एक प्रमोशनल सॉन्ग हम लोगों ने उनके साथ किया है। इमरान खान साहब है, अभी काफ़ी लोग आएंगे, अभी आप देखेंगे, एंजॉय करेंगे हम सब मिलकर उनके साथ। इस गाने के बारे में एक तो ये सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रूना से ज़्यादा अच्छी तरह सॉन्ग को कोई कर ही नहीं सकता था। वो शी इज़ ब्यूटीफुल टैलेंटेड, उन्होंने जो किया है, अब जब आप देखोगे तब पता चलेगा उन्होंने किया क्या, बहुत अच्छा किया, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। आप प्रोड्यूस किए इस फिल्म को, तो फिर आप इसकी स्टोरी सुने होंगे, जाने होंगे, तो क्या सोच के आपने इसकी स्टोरी अच्छी लगी थी इसके लिए बना दिया था? सर आप डायरेक्टर हो, इट्स आवर पैशन, hard work, effort, creativity, everything together. So I hope we get good blessings, and you all will enjoy our movie which we have done with F. bahut acha experience hai unke sath kaam karne ka, bahut maza aaya. He is very talented, multi talented actor. roll sir, hamesha challenge sir, hamesha challenge suspense movies karte rahe hain. ऐसी क्या बात है, ये किसने बजा दिया? अब पूछो। दरअसल क्या है कि मैं एक दो चीज़ें हैं जो देखता हूँ फिल्म करने के लिए। मैं ये बहुत कम देखता हूँ कि कौन है, क्या है, नया है, पुराना है, अच्छा है, बुरा है। तो थोड़ा सा नए लोग एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए। अगर उनके साथ कोई काम नहीं करेगा तो फिर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाकी ऐसा कुछ नहीं है, फिल्में हैं, लोग अपने मेहनत से और शिद्दत से बनाते हैं, तो उनकी सपोर्ट तो होनी चाहिए ना। दरअसल ये एक थ्रिलर है जो दिलजान एक रोल कर रहे हैं, तो उसमें और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो एक एक दो दो सीन्स के हैं। ऐसे कोई ऐसा, एक लड़की है और लड़का है, बस दो ही बड़े उसमें रोल हैं रेगुलर, बाकी सब दो दो सीन, तीन तीन सीन के रोल हैं जो सपोर्टिंग कास्ट में। तो मैं एक पुलिस ऑफिसर जो केस को इन्वेस्टिगेट करता है उसका रोल है, जो बहुत नॉर्मल तरीके का है, आता है, देखता है, चला जाता है, वैसा ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। म्यूजिक लॉन्च का मौका है, तो कोई म्यूजिक जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो? अरे बस ये हमारे साथ बड़ी अजीब सी चीज़ है, क्योंकि जब फिल्म बनती है तो ना तो किसी गाने में हम होते हैं, या तो कहीं विलन होते हैं तो हम होते नहीं उस गाने में, या पुलिस ऑफिसर होते हैं तो हम होते नहीं हैं। तो मुझे माफ़ी चाहता हूँ, अंदाज़ा नहीं है कि गाने मैंने सुने भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूं तो इसलिए मैं यहां पे खड़ा हूं, तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा कि कौन सा गाना या म्यूज़िक कैसा है, क्यों है। मैं सुनूंगा तो बता सकता हूं बाद में, अभी नहीं। अच्छा, आपके लिए कितना ज़रूरी है म्यूज़िक, कितना मायने रखता है एक फिल्म के लिए, आपके मुताबिक? भाई हमारा देश है, संगीत उसके हर रग रग में है, और हर मौके का संगीत है। हमारे यहाँ पर तो आदमी रोता है तो संगीत में रोता है, कोई भी त्यौहार हो उसमें म्यूज़िक होता है, बच्चा पैदा हो उसमें संगीत होता है,
तो और वैसे भी अगर आप देखें फिल्म को आप म्यूट करके देखेंगे तो आपको ख़राब लगती है ना, तो संगीत जो है वो उसके लिए उतना ज़रूरी है जितना एक के लिए सोल। तो म्यूज़िक तो बहुत ज़रूरी है, सिर्फ गाने की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ कि उसके बिना आप कोई भी ऐसे ही नॉर्मल वीडियो भी देखेंगे तो आपको उतना मज़ा नहीं आता जब वो उसके साथ म्यूज़िक ऐड कर देते हैं, तो वो तो इन्हांस करता है उसके इमोशन को, उसके सारी की सारी सोल इन्हांस कर देता है। तो म्यूज़िक जो है किसी भी चीज़ का सोल है। फिल्म है, दो तीन रिलीज पे है, एक साला खड़ूस करके एक फिल्म है जिसमें मैं और माधव हैं और सुधा उसकी डायरेक्टर हैं। एक आरजीवी की फिल्म है तेलुगु हिंदी, फिर और कुछ फिल्में हैं जिनकी मैं शूटिंग अभी शुरू करूंगा, बारिश की वजह से वो सब पोस्टपोन हो गई थी। तो ये दो फिल्में जो मैंने बताई वो तो रेडी टू रिलीज है। You know how to request for our different requests for this?